हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा था जैव अणु, वो आपका पूरा कल फिनिश हो चुका है। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने आपको पूरे बताने की कोशिश की बहुत ही अच्छी तरीके से। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में भी आए होंगे। तो आज हम आपके लिए उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू लेकर आए टेस्ट के रूप में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बोला हुआ था कि हम आपके लिए जैव अणु से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे हम आपको कराएंगे। तो आज हम आपके लिए वही एमसीक्यू लेकर आए और आपको अच्छी तरीके से इस टेस्ट को देना है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है सभी, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट गए हुए। यदि आपके 20 क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चन आज राइट जाते हैं तो आप समझ लेना कि हमारा जैव अणु जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है। और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसे भी ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ पर भी हम आपको जैव अणु से रिलेटेड ही टेस्ट कराएंगे, जैव अणु से रिलेटेड ही एमसीक्यू लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस राइट गए हुए। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जैव अणु से रिलेटेड, वो सभी देखिएगा। और हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, तो हमने देखा कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। ध्यान रखिए इस बात का कि यार जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपका आपको ये चैप्टर समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। और याद रखें, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिर आप कर नहीं पाते हो, तब आप कहते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन आपका इसी वजह से रुक जाता है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, अच्छे से वो चैप्टर नहीं पढ़ते हो। हम नहीं कहते कि आप हमारी वीडियो से पढ़ो तभी आप चैप्टर क्लियर करो, आप किताब से क्लियर कर सकते हो। और यदि आप इससे क्लियर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम वहाँ पर बहुत ही अच्छी कोई भी टॉपिक समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम सभी बताने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो। हमें ऐसे पता है क्योंकि 3 बच्चों ने ही कल आंसर दिया था, उनके नाम है जीतपाल यादव, शिवांगी प्रजापति और रामा राठौर। इन 3 स्टूडेंट्स ने ओनली आंसर दिया था, शेष किसी भी ने आंसर नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, वो क्वेश्चन हमने आपको लास्ट में पूछे हुए थे। तो वीडियो को पूरा देखा करो, आज भी हम आपको क्वेश्चन लेकर आए, आज भी आपको देखते हैं आज कौन कौन आंसर देता है, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो। हम कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीच में हो सकता है या लास्ट में हो सकता है। देखिए आप लोग कितना कौन कौन वीडियो को देखता है और आंसर कौन कौन आज देता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। थोड़ा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है। साथ ही साथ नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलें जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे, और देखते हुए चलें कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा आज का कि द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है, पिरिडीन्स में, प्यूरिन्स में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। हमने इसे रिलेटेड वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पिरिडीन और प्यूरिन को समझाया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि द्विचक्रीय जो वलय संरचना होती है, द्वि वलय किसमें, द्वि रिंग किसमें पाई जाती है, तो वो आपकी प्यूरिन्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्यूरिन्स एक प्रकार का नाइट्रोजनी चारक होता है, नाइट्रोजनी चारक 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया हुआ था। तो जो द्विचक्रीय वलय संरचना होती है, दो चक्रीय वलय संरचना किसमें पाई जाती है, तो किसमें होती है, प्यूरिन्स में होती है, एक जैसे ये दूसरी ये। और पिरिडीन की जब हम बात करते हैं तो पिरिडीन में एक वलय संरचना होती है, कितनी होती है, पिरिडीन में ओनली एक वलय पाई जाती है, एक रिंग पाई जाती है, जबकि प्यूरिन्स में आपकी 2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 2, डबल साइकिल रिंग पाई जाती है, डबल साइकिल रिंग इसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो था वो ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यूक्लियो ओसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाले अणु हैं, न्यूक्लियो ओसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाले अणु हैं, नाइट्रोजनी छाल प्लस पंच कार्बनी शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी छाल प्लस फॉस्फेट समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें आज, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें चैनल को, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहे।
तो आंसर इसका क्या होगा देखते हैं, न्यूक्लियो ओ साइड। जब न्यूक्लियो ओ टाइड की बात होती तो आपको पता है हमने दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है वीडियो में, न्यूक्लियो ओ साइड क्या होता है, न्यूक्लियो ओ टाइड क्या होता है। न्यूक्लियो ओ टाइड में क्या क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार, पंचकार्बनी शर्करा यानी पेंटो शर्करा और फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है, फॉस्फेट समूह यानी कि PO4। लेकिन यह बात किसकी हो रही, न्यूक्लियो ओ साइड की। तो आप यहां से समझ चुके होंगे कि न्यूक्लियो ओ साइड में क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। राइट, आपको समझ में आ चुका होगा कि न्यूक्लियो ओ साइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार और पंचकार्बनीय शर्करा से मिलकर बने होते हैं। पंचकार्बनीय शर्करा यानी कि पेंटो शर्करा से मिलकर बने हुए थे। तो आपको पता चल गया कि न्यूक्लियो साइड जो अणु होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार और पंचकार्बनीय शर्करा से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आपसे बात की जाती न्यूक्लियो ओ टाइड की तो आप बता देते वापर नाइट्रोजनी क्षार, पंचकार्बनीय शर्करा, उसके साथ साथ फॉस्फेट समूह उसमें जोड़ा हुआ होता है, तो न्यूक्लियो ओ टाइड की संरचना बन जाती है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि न्यूक्लियो ओ साइड क्या होता है और न्यूक्लियो ओ टाइड क्या होता है। न्यूक्लियो ओ टाइड की बात की जाए तो नाइट्रोजनी क्षार और पंचकार्बनीय शर्करा से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियो ओ टाइड की बात की जाए तो नाइट्रोजनी क्षार, पंचकार्बनीय शर्करा और फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है, और नाइट्रोजनी ओ साइड की बात की जाए तो नाइट्रोजनी क्षार और पंचकार्बनीय शर्करा से मिलकर बना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दोनों को याद रखिए अच्छी तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइबोस शर्करा में कौन से नाइट्रोजनी क्षार की सहलग्नता नहीं होती है, यानी कि जो राइबोस शर्करा होती है जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है आरएनए में, आपको पता है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए में आपकी राइबोस शर्करा पाई जाती है। और आपसे पूछा क्या गया है उसमें कि जो आरएनए होता है उसमें कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है, नहीं उसकी किसमें सहलग्नता उसकी नहीं होती है, कौन सा ऐसा है नाइट्रोजनी क्षार जो उसमें पाया नहीं जाता है। तो अब आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम में क्या होता है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, थायमिन जो होता है टी उसकी जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा, थायमिन नहीं पाया जाता है। यूरेसिल भी पाया जाता है, एडेनिन भी होता है, यू भी होता है, ए भी होता है और ग्वानिन यानी जी भी होता है, लेकिन थायमिन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइबोस शर्करा जो होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो उसमें थायमिन नहीं पाया जाता है, जो थायमिन नाइट्रोजनी क्षार होता है वो उसमें नहीं पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी क्षार की सहलग्नता नहीं होती है। देखो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है बात की जाए तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है वो डीएनए में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और आरएनए की बात की जाए तो राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, जो डीएनए होता है उस जो उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है उसकी उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता, तो नाइट्रोजन क्षार की हम बात की जाए तो यूरेसिल नहीं पाया जाता, इसमें थायमिन पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, इसमें थायमिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानोसिन होता है, और आपका इतने क्षार पाए जाते हैं, लेकिन आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, यूरेसिल आपका नहीं पाया जाता है, किसमें, डीऑक्सीराइबोस शर्करा में। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है, ऐसा कौन सा तत्व है इसमें जो न्यूक्लिक अम्लों में तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है प्रोटीन जो होती है उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, लेकिन उसमें फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, फॉस्फोरस प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें फॉस्फेट समूह लगा होता है, आपको पता है पहले से भी, तो इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फोरस तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है,
प्रोटीन फॉस्फोरस यानी प्रोटीन जो होती है उसमें फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, बाकी के ये सब पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी से संबंधित है, थोड़ा घुमा हुए। कौन सा तत्व तो न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता है परंतु प्रोटीन में होता है? ऐसा कौन सा तत्व तो है जो न्यूक्लिक अम्लों में नहीं पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में होता है? उल्टा कर दिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं इसमें किया। और अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो देखो अभी वही क्वेश्चन फिर वापस आ गया, कौन सा तत्व तो न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता है परंतु प्रोटीन में होता है? तो आपका सल्फर जो होता है वो प्रोटीन्स में पाया जाता है। ठीक है, देखो अभी हम आपको बता रहे हैं इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। तो देखो याद रखे, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? सल्फर नहीं पाया जाता है, बाकी के ये सभी पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता है परंतु प्रोटीन में होता है। परंतु किसमें होता है? प्रोटीन्स में होता है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के अणु किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के अणु किसके बहुलक, किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स के, बसी अम्लों के, न्यूक्लियोटाइड्स के, या नाइट्रोजनी समाक्षारों के? तो आपको पता है न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। न्यूक्लिक अम्ल अणु किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुई, जूट, सन आदि में खिंचाव सैनी की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण आती है? जो रुई होती है आपकी, जूट होता है, सन होता है, उसमें खिंचाव किसके कारण, जो खिंचाव सैनी की जो शक्ति होती है वो मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो आपको पता होगा काइटिन ओसन नहीं सकता क्योंकि वो कवक में पाया जाता है, मंड भी नहीं होगा, ग्लाइकोजन मनुष्य में होता है, बचा क्या आपका सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है उसकी उपस्थिति कारण क्या होता है? जो रुई, जूट और सन होता है उसमें खिंचाव सेने की शक्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखना प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है, जो समझ में ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओलिगोसैकेराइड का बना ग्लाइकोकैलिक्स, ओलिगोसैकेराइड का बना ग्लाइकोकैलिक्स कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है? अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कहाँ पाया जाता है, किस जगह पाया जाता है, किस कोशिकाओं में पाया जाता है, आपको बताना होगा। क्योंकि हम ये बात कई बार आपको वीडियो में बता चुके, सेल बायोलॉजी में बताया और शायद इसमें भी कहीं ना कहीं बताया होगा। सेल बायोलॉजी में हमने ये बात कई बार बताई हुई, ऑप्शन क्वेश्चन भी कराए हुए, तो आपको पता भी होगा। अब आपको बताना होगा कि ग्लाइकोकैलिक्स है वो किस कोशिका में पाया जाता है, किसकी कोशिका में पाया जाता है। बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स का बना, यानी ये ओलिगोसैकेराइड है और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका कला के बाहरी सतह पर पाया जाता है। कोशिका कला और कोशिका कला की जो बाहरी सतह होती है उस पर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो हमने पूछा है उसका आंसर जरूर बताना होगा। जो भी बताएगा उसका हम नाम नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है, यानी रिजर्व ईंधन का काम करता है? मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और डेक्सट्रॉन। जंतुओं में बात किसकी हो रही? जंतु एनिमल्स में कौन सा पॉलीसेकेराइड है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड भी है, और उसे आरक्षित ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है? आरक्षित ईंधन का काम भी करता है। तो देखो जो जंतु होते हैं उसमें सेलुलोज नहीं होता है, डेक्सट्रॉन नहीं होगा, मंड भी नहीं होगा, बचा आपका क्या ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो रिजर्व ईंधन के रूप में काम करता है, और यानी वो हमारे शरीर में जो एकत्रित होती है उसमें संचित रहता है, और जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे आरक्षित ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखें, किसके नाम से जाना जाता है? आरक्षित ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि रिजर्व फ्यूल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता सकते हो ग्लाइकोजन को जाना जाता है, जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्लूकोज के तथा एक गैलेक्टोज के अणुओं के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से किसका अणु बनता है? एक ग्लूकोज होगा, एक गैलेक्टोज होगा, उसके जब उसमें जब बंध एक लगेगा, कौन सा बंध? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, जब उसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता हो तो उससे बनने वाला जो जुड़ने वाला नया अणु जो बनेगा वो क्या बनता है? तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो ये क्या बनेगा? लैक्टोज बनता है। क्या बनता है? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के अणुओं के जब जुड़ते हैं आपस में तो किसका निर्माण होता है? तो लैक्टोज का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है। क्या है? एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है। और किस बंध के द्वारा जुड़ती है आपसे पूछा जाए तो ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और बाकी के जो उदाहरण लिखे हुए थे वो सभी माल्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ और लैक्टोज हुआ, ये तीनों ही ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण है, उसमें भी डाइसैकेराइड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्त्रियों के दुग्ध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा होती है, जो स्तनधारी होते हैं मेमल्स जो होते हैं उनकी दुग्ध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी होती है? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पहले से भी पता होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके अणु पॉलीसैकेराइड की एक लकी इकाइयां होते हैं? यानी कि जो पॉलीसैकेराइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पॉलीसैकेराइड है वो किससे मिलकर, जब बहुत सारी इकाइयां इकट्ठी होंगी तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा, आपको पता है। तो अब वो है क्या? उसमें डाइसैकेराइड है कि पंचकार्बनी शर्कराएं हैं कि ओलिगोसैकेराइड है कि मोनोसैकेराइड है? तो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ था कि जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड, अनगिनत मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मोनोसैकेराइड से बहुत जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बहुत सारे जब मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पॉलीसैकेराइड का। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहुलकीकरण में मोनोसैकेराइड अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से पीछे जुड़ते हैं? एक दूसरे के पीछे, जैसे एक मोनोसैकेराइड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो ये किस बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं? किस बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो आपको पता होना, तो ये किस बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। किस बंध के द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, उससे एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ता है और तब उसके बाद कई यानी पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है या ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, उसके साथ साथ उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, तो वो कितने परसेंट? तो आपको पता है, हमने बताया हुआ था 16% लगभग पाई जाती है। कितने परसेंट? प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है? तो उसमें 16% यानी 16% पाई जाती है। और प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी होती है, जितनी प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होगी उतनी ही वो प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामान्य बसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? जब सामान्य बसा के अणु का संश्लेषण होता है तो कौन से रासायनिक बंध यानी कौन से केमिकल बॉन्ड उसमें उत्पन्न होता है? ऐसा कौन सा बंध है जो बसा के अणुओं में पाया जाता है? तो आपको पता है, देखो एमाइड बंध होगा नहीं, फास्फोएस्टर बंध होगा नहीं, ग्लाइकोसिडिक बंध होगा नहीं, तो बचा क्या हमारा? एस्टर बंध। तो जो बसा के अणु होते हैं उसके संश्लेषण में कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो एस्टर बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
आपको क्वेश्चन अच्छे भी लग रहे होंगे, तो यदि अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही। जिस जगह पर हम बैठे हुए वहाँ पर इतने मच्छर हैं, यदि आप बैठे रहो तो शायद आप कहोगे कि अरे इतने मच्छर में आप कैसे वीडियो बना रही हैं, इतने मच्छर हैं, हमको मच्छर घेरे हुए यहाँ पर है, सच में बता रहे भगवान कसम, झूठ नहीं बोलते कभी भी, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? तो देखो, मोम और कोलेस्ट्रॉल, मोम एक प्रकार की वसा होती है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोम जो होगी वो किस में आएगी, वो आपकी लिपिड्स में आती है। किस में आती है? लिपिड्स में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ है? तो ये लिपिड श्रेणी के पदार्थ है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? सबसे कम ऑक्सीजन के जो परमाणु, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम किस में होती है? आपसे पूछा जाए प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, कि लिपिड्स में या न्यूक्लिक अम्ल में? तो देखो, प्रोटीन, जो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम जो होती है वो आपकी लिपिड्स में होती है। बाकी के सभी में देखा जाए तो सभी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग बराबर सही होती है, लेकिन जो लिपिड होते हैं, आपका जो वसा होती है, उसमें ऑक्सीजन के परमाणु बहुत ही कम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वो किस में कम होते हैं? लिपिड में कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव के सबसे अधिक उपयोग में आने वाली शर्करा होती है। मानव के सबसे अधिक उपयोग में आने वाली, सबसे ज्यादा यूज जो शर्करा मानव के द्वारा की जाती है, वो कौन सी शर्करा है? तो आप याद रखिए, वो आपकी सुक्रोज है। कौन सी शर्करा है? सुक्रोज है, जो एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है, जिसमें भी डाइसैकेराइड का उदाहरण है। आपको पता होगा सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C11H22O12, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सुक्रोज आपका जो है वो मानव के द्वारा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली शर्करा आपकी है, शुगर सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके नीट 2017 में पूछा गया था, और कल के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट इसका आंसर देगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है, और उसकी परसेंटेज भी आपको बताने होगी, कितने परसेंट पाया जाता है, उसके बाद कौन सा आरएनए होता है, उसके बाद कौन सा आरएनए होता है। तीनों आरएनए आपको विद परसेंटेज से बताने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताए हुए थे वीडियो में। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और आप अच्छे से इनका आंसर दोगे। जो भी इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा, अच्छे से पूरा सही सही बताएगा, उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उस वीडियो का थोड़ा वेट कीजिए, आपको जल्दी वो वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। और यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, और हमसे जो भी हेल्प होगी आपके लिए, हम पक्का उसे करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी मेहनत सफल जाए जिससे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।